हेलो फ्रेंड्स। तो आज केडीएम क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। एंटोमोलॉजी की जो क्लास थी उस क्लास को तो अपन आगे करते हैं सेकंड क्लास में। और सेकंड क्लास स्टार्ट करने के लिए पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवीजन, कल की जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बना होता है, इंसेक्ट के ग्रुप को जो पेस्ट कहते हैं वो पेस्ट क्या होता है, वो किस तरीके से डैमेज करता है, किस लेवल पे डैमेज करता है, ये TL बोला, EL बोला, EIL बोला। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। कमल सिंह चौहान, आपको सेकेंड क्लास स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद में आपको लगे कि ये वीडियो जरूर अच्छा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स को जरूर बताएं जो PPG की तैयारी कर रहे हैं, MSc की तैयारी कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप मुझे ये भी बताएं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ लगता है, उस टॉपिक का मैं स्पेशली वीडियो आपको बना के दूँ और उस वीडियो पे अपन वर्क करें और आपको सिंपल कैसे करके सॉल्व हो। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट में। इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है? इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन हम पूरा नहीं पढ़ के उसको बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि इंसेक्ट का फाइलम क्या होता है। फाइलम, अगर मैं इंसेक्ट का फाइलम देखूं तो हमारे पास फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या होते हैं? ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेगमेंटेड होते हो, जिन्हें आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, उन्हें उनके पार्ट्स को आप कट करके और उन्हें स्पेशल अलग कर सकते हो। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेड जो पार्ट होगा उसे हम ऑर्थोपोडा कहेंगे। और ये जो ऑर्थोपोडा फाइलम है इसमें से 97%, अगर हम 100% ऑर्थोपोड्स की बात करें तो उनमें से 97% ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट 97% आते हैं ऑर्थोपोड्स में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोपोडा के अंदर सबसे ज्यादा कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, तो वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब वो ही इंसेक्ट जो हेक्सापोड होता है, जिसकी तीन पेयर लेग्स होती है। उसमें थ्री पेयर लेग्स में आप ये कह सकते हो कि उस इंसेक्ट जो होते हैं वो 97% है ऑर्थोपोड्स में। और उन ऑर्थोपोडा को हम अगर क्लास में डिवाइड करें तो हम उसमें एक क्लास बना देते हैं हेक्सापोडा, एक बोलते हैं अरेक्निडा। एक होती है हेक्सापोडा और एक अरेक्निडा। ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चंस यहां से अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि हेक्सापोडा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए विच वन विच ऑर्गेनिज्म या विच इंसेक्ट इंक्लूड इन विच इंसेक्ट इंक्लूड इन हेक्सापोडा, तो आपको उसमें एग्जाम्पल में लिखेगा IBB। से याद की ट्रिक रखें आप, IBB। ठीक है, वैसे एरेक्निडा में क्या होगा उसके बारे में आपके पास एक ट्रिक होगी, MTRS। आप उसे बोलो MTR, MTRS। ठीक है, IBB क्या होगा? इंसेक्ट। हेक्सापोडा में एग्जाम्पल पहला होगा IBB में इंसेक्ट, इंसेक्ट बग और बीटल्स, ये तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ये तीन इंसेक्ट बग और बीटल्स, इन्हें हम इंक्लूड करते हैं किसने? हेक्सापोडा क्लास में। हेक्सापोडा क्लास वही क्लास है जिसमें सिक्स लेग है। इसका मतलब इंसेक्ट, बग और बीटल्स, आपने ये तीनों ही देखे होंगे। इंसेक्ट बहुत सारे देखे होंगे, अगर वो इंसेक्ट है तो उसमें तीन पेयर लेग है, इसका मतलब छह लेग है। और अगर आप बग की बात करें या बीटल्स की बात करें, उन बीटल्स के अंदर भी आपको क्या मिलने वाले हैं? हेक्सापोड्स मिलने वाले हैं। पर अगर आप अरेक्निडा की बात करें तो ध्यान सुनना, अरेक्निडा भी ऑर्थोपोडा की ही क्लास है, पर ये क्लास जो है कुछ डिफरेंस रखती है। कैसे? कि हेक्सापोडा और अरेक्निडा में डिफरेंस ये है कि इसमें जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा वो उसके थोरेक्स और हेड, इन दोनों को जॉइंट रखेगा, हेड को और थोरेक्स को।
इन दोनों का फ्यूज्ड फॉर्म होगा जिसे हम सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरेक्स। ध्यान से सुनना, अरेबिका क्लास के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऐसे बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अरेबिका क्लास में आते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं क्या? सिफेलोथोरेक्स। देखें माइट, माइट आपके आपने मकड़ी देखी है, उसे देख लेना माइट, उसके अंदर थोरेक्स पार्ट और हेड पार्ट दोनों फ्यूज होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता वो उसमें थोरेक्स कौन सा है और हेड कौन सा है, और उसका एब्डोमन पार्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। याद करें कल हमने इस क्लास में डिसाइड किया था, डिस्कस किया था आपसे, और ये कहा था कि उस थोरेक्स के अंदर जिसमें कौन से पार्ट पाए जाते हैं, लेग पाई जाती है, जिसमें लेग पाई जाती है इसका मतलब इनमें भी लेग तो होनी चाहिए, पर वो लेग जो है वो थोरेक्स पार्ट बहुत रिड्यूस है उसमें ही है, हमें आइडेंटिफाई इजीली नहीं होती जैसे नॉर्मल इंसेक्ट में हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसमें कि ये जो माइट होती है, माइट बात करो या टर्माइट बात करो या फिर रेड स्पाइडर्स बात करो, ये तीनों ही किसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं? अरेक्निडा क्लास में। तो हेक्साकोडा क्लास में आईबीबी, अरेक्निडा क्लास में एमपीआरएस, आप इसे याद जरूर करें, ये आया आपको क्वेश्चन में बिल्कुल अलग से याद रहना चाहिए। हेक्साकोडा क्लास तीन तीन एग्जांपल है आईबीबी, अरेक्निडा क्लास में 15 एग्जांपल है एमपीआरएस। एमपीआर याद करोगे तब भी याद रह जाएगा, एमटीआर एमटीआर एम माइट टी टर्माइट और आर एस स्पाइडर, रेड स्पाइडर। ठीक है भाई, तो हमने ये बात किया कि इंसेक्ट के अंदर अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो हम बोलेंगे उसका फाइलम ऑर्थोपोड्स होता है। ऑर्थोपोड्स वो होते हैं जिनकी बॉडी पार्ट को सेगमेंट के रूप में डिफरेंटली डिफरेंशिएट किया जा सकता हो या उसे कट किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोपोडा। ठीक है, और उसमें भी ऑर्थोपोडा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से 97% तो इंसेक्ट ही है। इंसेक्ट इंक्लूड हो रहा है हेक्साकोडा क्लास में, इसका मतलब इस हेक्साकोडा क्लास में इंसेक्ट है, और इसका मतलब सबसे ज्यादा मेजर क्लास होगी वो कौन सी होगी? हेक्साकोडा। ये 3% के अंदर आएंगे कौन? माइट्स, टर्माइट, रेड स्पाइडर, जो कैप्स में जा रहा है अरेबिका क्लास में। अरेबिका क्लास के अंदर क्या क्या डिफरेंस देखना हमें? अरेबिका क्लास वो होती है जिसके अंदर हेड और थोरेक्स दोनों ही फ्यूज्ड होते हैं, जबकि हेक्साकोडा में तीनों अलग अलग होंगे, हेड अलग, थोरेक्स अलग, एब्डोमेन अलग। यहाँ पे हेड और थोरेक्स फ्यूज हो गया जिसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर विच हैव फ्यूज्ड हेड एंड थोरेक्स पार्ट। एग्जाम्पल अगर माइट्स, टर्माइट एंड रेड स्पाइडर्स। ओके, तो ये टॉपिक हमारा एक छोटा सा होगा क्लासिफिकेशन के नाम पे, और अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे किसकी? मेटामॉर्फोसिस। किसकी बात करेंगे? तो हम आगे की बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। देखिएगा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में अगर उसमें कोई रेडियल चेंजेस हमारे पास मिल रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंदर एक सिस्टमेटिक चेंजेस आ रहा हो तो उसे हम बोलने वाले हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आने चाहिए, और वो चेंजेस अगर कंप्लीट बोलेंगे तो इसका मतलब वो एकदम सिस्टमेटिक चेंजेस आ रहा होगा, और अगर मेटामॉर्फोसिस में इनकम्प्लीट या डायरेक्ट बोलेंगे तो वो मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस तो आएगा पर वो एक सिस्टमेटिक नहीं आएगा, एक स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के लिए एक रेडियल चेंजेस आते हो तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की उस प्रोसेस को, और एक प्रोसेस किसमें होनी चाहिए? मॉर्फोलॉजी में। अब मैं इसे बोल रहा हूँ क्या कि रेडियल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस हमें दो तरह से डिवाइड करनी है, दो टाइप रखने वाले हैं, दो क्लास रखने वाले हैं, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट का दूसरा दूसरा वर्ड बोल सकते हैं हम डायरेक्ट ग्रेजुअल या हेमी मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस एक तरीके से आधा ही पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंप्लीट या इनडायरेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलो उसे होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो का मतलब कंप्लीट हो गया, वो जितनी भी उसमें प्रोसेस होने वाली है, जितनी भी स्टेप आने वाली है, सारी स्टेप उसमें कंप्लीट होती है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब सुनिए, बोले इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, दोनों में हम एग्जांपल, इन एग्जांपल्स की बात करें, ये एग्जांपल्स क्या हैं? ये एग्जांपल्स ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर। तो मैं पहले ये चाहूंगा कि हमें ऑर्डर याद हो जाए। एग्जांपल सबके अलग अलग आएंगे, होमोप्टेरा क्या आएगा, हेटरोप्टेरा, इसोप्टेरा, ये सब क्या आएंगे। मैं इस एग्जाम्पल को पहले रिपीट करता हूँ और पहले ये याद रखने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्डर कौन कौन से आएंगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि रेडियल चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हम एमएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एमएससी के लिए हमें ये थोड़ा सा माइंड होना चाहिए कि इनकम्प्लीट को ही डायरेक्ट बोलते हैं, जिसमें इनकम्प्लीट लिखा गया उसी को हम डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, डायरेक्ट। थोड़ा सा और लगता है याद रखने में, आप इसे याद रखें, जो डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अगर हम बोले कि इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, उसे कंप्लीट नहीं बोलती है वो, उसे कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस बोलेगा। क्या बोलेगा, कॉम्प्लेक्स बोलेगा या बोलेगा फिर आपको होलो मेटामॉर्फोसिस बोलेगा। होलो, कंप्लीट, इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स, एक बात होगी, या फिर इनकम्प्लीट, डायरेक्ट, ग्रेजुअल या हेमी मेटामॉर्फोसिस अगर बोला जाए, वो एक डिफरेंट टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो आता है वो देखिए क्या आता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ होता है एग, और इस एग, एग से बनता है निम्फ, और निम्फ से बनता है अडल्ट। जबकि अगर इस प्रोसेस में देखें कंप्लीट में, तो सबसे पहले एग, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, ठीक है, और लार्वा बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। तो देखिएगा सब में एक-एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनने वाले चांस है। यहाँ पे निम्फ किस में, कौन से मेटामॉर्फोसिस का पार्ट है निम्फ? निम्फ क्या है, निम्फ छोटा बच्चा है। एग, अगर मान लो, अगर किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंसेक्ट की बात करेंगे हम एंटोमोलॉजी में, किसी भी इंसेक्ट के अंदर ऐसी ऐसी प्रोसेस चल रही है जो इनकम्प्लीट है या डायरेक्ट है, तो उसमें उसमें क्या बनेगा, उसमें एग होंगे और एग से डायरेक्ट छोटा लिव अडल्ट बनेगा, वो अडल्ट बाद में जाके कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट होने के बाद में उसे कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा, उसे मॉडल बोलेंगे। तो हम निम्फ के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ हम पूछेंगे निम्फ किसमें मिलता है, निम्फ मिलता है डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस में या ग्रेजुअल या इनकम्प्लीट या हेमी मेटामॉर्फोसिस में। हमने क्या बोला, निम्फ अवस्था जो मिलेगी वो हेमी मेटामॉर्फोसिस में मिलेगी। और ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलू कि निम्फ प्रोसेस या निम्फ फेज प्रेजेंट इन, आपको इन ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर का नाम पूछेगा, या ऐसे बोलेगा तीन ऑर्डर देगा और आंसर ऑल ऑफ दी जाएगा, क्या HHHIPO, इसे तो मैं ऐसे बोलो हिट्टो, HHIPO, H होमो हेट्रो, होमोप्टेरा हेट्रोप्टेरा, आइसोप्टेरा फिसेनोप्टेरा ऑर्थोप्टेरा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें PTARA, इसका कोई मीनिंग है, मीनिंग है उसके विंग्स से रिलेटेड, हम विंग्स में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि इसे होमोप्टेरा हेटरोप्टेरा आइसोप्टेरा क्यों बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, पहले हमें ये याद होना चाहिए कि अगर किसी में निम्फ फेज मिल रही है, निम्फ अवस्था मिल रही है, तो वो प्रोसेस इन ऑर्डर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी या इन इंसेक्ट में मिलेगी, इन ऑर्डर वाले इंसेक्ट में मिलेगी, जो है होमो हेट्रो आइसो थिसेनो ऑर्थोप्टेरा।
ऐसे ऑर्डर है जिनके अंदर निम्न फेज पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ये अच्छे से याद रखनी होगी, ध्यान से सुन लो। इनकम्प्लीट बोलो, सॉरी इनकम्प्लीट बोलो या हेमो हेमी मेटामॉर्फोसिस बोलो, ये निम्फ अवस्था रखते हैं। निम्फ निम्फ क्या है? स्मॉल स्मॉल फॉर्म ऑफ अडल्ट। आपने बहुत सारे इंसेक्ट देखे होंगे जो अंडे में से अंडे की हैचिंग हो, अंडे अंडे में से हैचिंग होने के बाद में छोटे वाले बन जाते हैं, और छोटे होके थोड़ी थोड़ी देर बाद में बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो क्या है, वो प्रोसेस क्या थी? वो अंडे से डायरेक्टली क्या बना? छोटा बच्चा। उसे बाद में चेंज आया, उसे बोल दिया अडल्ट फेज, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या, एग, एग से निम्फ, निम्फ से अडल्ट। तो मेरी बात आपको समझ में आएगी, निम्फ किसमें मिलता है? इनकम्प्लीट डायरेक्ट ग्रेजुअल या हेमी मेटामॉर्फोसिस के अंदर मिलने वाली स्टेज है। और निम्फ होती क्या है? निम्फ होती है स्मॉल फॉर्म ऑफ अडल्ट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपसे बोला जाए, निम्फ स्टेज जो है वो किन की कौन से ऑर्डर में मिलती है? होमो हेट्रो आइसो थर्स्टिसेनो और ऑर्थोप्टेरा के अंदर मिलती है। इनमें भी एग्जाम्पल में जाएंगे तो फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एफिड में निम्न में से किस में, ऐसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग है निम्फ फेज या निम्फ स्टेज। तो आपको एग्जाम्पल देगा उसमें, देखो इसके एग्जाम्पल आएंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे, इनके एग्जाम्पल आएंगे, इनके दो दो एग्जाम्पल कम से कम आपको याद कराऊंगा। उन एग्जाम्पल के नाम को देके फिर निम्फ पूछ ले या निम्फ देके और उन एग्जाम्पल के बारे में पूछ ले। यहाँ और यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ एक क्वेश्चन बनने के 100% चांस है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप कैसे भी चेक कर लो, पुराने एग्जाम में चेक कर लो, आने वाले एग्जाम में चेक करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एक तो निम्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फिर आएंगे किसमें, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या इनडायरेक्ट या कॉम्प्लेक्स या होमो सॉरी होलो मेटामॉर्फोसिस है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो नाम होगा लार्वा प्यूपा, इन दोनों के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। अब सुनो पहले क्या है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर किसी इंसेक्ट के अंदर एग एग में कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, रेडियल चेंजेस ही चलेंगे, वो कुछ चेंजेस आए तो वो बन जाता है लार्वा। लार्वा लार्वा एक तरीके से हम बोलते हैं लट, वो लकी क्या होती है, लार्वा होती है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जिनके अंदर एग एग कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में। लार्वा अपने फीड करता है, खाना खाता है और वो उसमें अपने आप में डेवलपमेंट क्रिएट होता है। भाई खाना खाएगा डेवलपमेंट आएगा, तो डेवलपमेंट आने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा। ये छोटी सी स्टेज है तो थोड़ी से दिन के लिए रहती है, वो किसी किसी में तो 2-4 घंटे के लिए रहती है प्यूपा, और प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है बाद में अडल्ट में। तो मैं आपको लार्वा किस किस में किस किस नाम से जाना जाता है वो अलग से पढ़ाऊंगा, प्यूपा किस में, प्यूपा की स्टेज इसमें, इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं एक ये पूछा जाएगा कि कौन से इंसेक्ट में कौन सा लार्वा है, ठीक है। तो वो लार्वे जो है 4 या 5 टाइप है उनके, हम उनको अलग से इसी तरीके से एक चार्ट बना के याद करेंगे। और लार्वा के बेस को किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से बताया जाता है, क्या उनका स्पेशल नाम होता है, और प्यूपा प्यूपा कौन से हैं, कौन से इंसेक्ट की प्यूपा स्टेज हार्मफुल होती है, कौन से इंसेक्ट में लार्वा स्टेज हार्मफुल होती है, कौन से इंसेक्ट में अडल्ट स्टेज हार्मफुल होती है जो डैमेज ज्यादा करती है किसको, क्रॉप को। तो वो हम पढ़ने वाले होते हैं किस मीडिया, वो पढ़ने वाले हम कंप्लीट में, ठीक है। और कंप्लीट के एग्जांपल में आप इसे याद कर लें, CLDH, क्या बोला मैंने, CLDH, कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा डिप्टेरा और हेमिनोप्टेरा, क्या नाम है, CLDH। आप इसे जरूर याद करें क्योंकि हमें डिफरेंस क्रिएट करना हो कंप्लीट में इनकंप्लीट में, तो वहां 5 है 4 है, 5 HHIETO हिट्टो, और यहाँ लिख देंगे CLDH, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, CLDH, कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा डिप्टेरा और हिमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा डिप्टेरा हिमेनोप्टेरा, ये 4 ऑर्डर ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट बोले तो कॉम्प्लेक्स, ये होगा इंपोर्टेंट, फिर कहता हूँ कॉम्प्लेक्स टाइप का मेटामॉर्फोसिस मिलता है, वो 4 ऑर्डर है। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, निम्न में से या कौन किस किस निम्न में से किस में
निम्न में से किसमें कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस होगा? सी एल डी एच, इन चार ऑर्डर में से एक ऑर्डर आपको दिखा हुआ दिखाई देगा या इनके एग्जाम्पल दिखाई देंगे। तो हम अगले अगले वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल को लिखेंगे और उसे याद करेंगे, वो एक दो तीन मिनट जो भी होगा उसका बनाएंगे, और उसके बाद में हम अगला टॉपिक यहाँ से लेंगे। निम कौन कौन से है? लार्वा के बेस पे किस तरीके से हमने इंसेक्ट को डिवाइड करना है, फिर प्यूपा अगर किसी का हार्मफुल स्टेज में जा रहा है वो, अडल्ट किसी में जा रहा है तो वो। अगले एग्जाम्पल जो एक से दो क्वेश्चन का पैटर्न रखेंगे, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था नौ क्वेश्चन देगा, नौ में से एक क्वेश्चन कल वाली क्लास में से बन सकता है, पर आज वाली क्लास में 100% चांस आएगा आप इसे टिक मार कर सकते हो। ये वीडियो आपको एक क्वेश्चन 100% देने वाला है, प्रीपीजी हो चाहे आईसीआर एमएससी हो। तो हम क्या कह रहे थे, हमने इसको बिल्कुल सिंपल समझा, मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस किसी की मॉर्फोलॉजी में रेडियल चेंजेस होती है डेवलपमेंट के लिए, और वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स में आपको, पहला डायरेक्ट एंड इनकम्प्लीट ग्रेजुअल हेमी मेटामॉर्फोसिस, सेकंड कंप्लीट इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स या होलो मेटामॉर्फोसिस। फिर हमने इसकी बात की, इसमें बनता क्या है, निम्फ स्टेज आती है। निम्फ क्या है, निम्फ एक छोटा अडल्ट होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनमें पहले छोटा अडल्ट होता है, वो फिर अपने अपने फीड करके और उसमें डेवलपमेंट करके और बड़ा हो जाता है, वो अडल्ट बन जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा इसमें कंप्लीट चेंजेस नहीं आए, इसलिए हमने इसे क्या बोला, हेमी मेटामॉर्फोसिस। और इसमें इसमें पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है। इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस है तो कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स की बात करो, कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस में लार्वा और प्यूपा स्टेज पाई जाती है, ठीक है, जबकि इनकम्प्लीट में निम्फ पाई जाती है, निम्फ डायरेक्ट इनकम्प्लीट, लार्वा और प्यूपा कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट या बोलो होलो, या इन ऑर्डर का नाम दे दिया जाए, सी एल डी एच में से किसी भी एक ऑर्डर में बात करें तो लार्वा और प्यूपा मिलेगा, और निम्फ की बात करें तो ओ एच एच आई टी ओ हिट्टो में से कोई एग्जांपल लिखेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑर्डर का नाम लिखेगा और वो आपको बोलना होगा, निम्फ मिलता है भाई इसमें, ठीक है। तो मैं अब आपसे, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कौन से इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी, जैसे आपने मुझे पुराने वीडियो में बताया वैसे अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे फिर से बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताएं, और जो इससे नीड रखते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।